अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। बिहार चुनाव से पहले पोस्टर वार जारी है। याद दिला दूं कि सबसे पहले बिहार चुनाव से प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच पोस्टर वार जारी। नीतीश सरकार को ट्रबल इंजन और लूट एक्सप्रेस बताने के बाद आरजेडी ने एक बार फिर राजधानी पटना में पोस्टर लगाया। इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कुर्सी के प्यारे और बिहार के हत्यारे बताया गया। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के बीच पोस्टर वार जारी है। पिछले दिनों नीतीश सरकार को ट्रबल इंजन और लूट एक्सप्रेस बताने के बाद आरजेडी ने एक बार फिर राजधानी पटना में पोस्टर लगवाए हैं। इन पोस्टरों में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को कुर्सी के प्यारे और बिहार के हत्यारे बताया गया है। वही पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कविता लिखी हुई है, लूट रहा है बिहारी और लूट रहा है बिहार। जी हाँ, लूट रहा है बिहारी और लूट रहा है बिहार। कुर्सी कुर्सी खेल रही है बिहार सरकार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। आपको बता दें, पोस्टर पे एक तरफ कुर्सी से बंधे नीतीश कुमार को कैरिकेचर बनाया गया और नीचे डूबता हुआ बिहार दिखाया गया। इससे पहले भी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए पोस्टर लगवाए थे, जिसमें नीतीश और सुशील की तस्वीरों के साथ लूट एक्सप्रेस और झूठ एक्सप्रेस लिखा गया था। इन पोस्टरों में एक तरफ नीतीश की तस्वीर थी, वहीं दूसरे तरफ बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी की फोटो लगी हुई थी। नीतीश और सुशील की तस्वीरों को ट्रेन के इंजन में चस्पा दिखाया गया था। नीतीश को पोस्टर में लूट एक्सप्रेस कहा गया तो सुशील मोदी को झूठ एक्सप्रेस बताया गया। पोस्टर के ऊपरी हिस्से में लिखा है कि बिहार को बर्बाद करने वाला ट्रबल इंजन। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को लेकर पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में एक ट्रेन को चित्रित कर लालू की एक तस्वीर बनाई गई। ट्रेन को करप्शन मेल बताया गया, जबकि लालू की तस्वीर में उनके हाथ में अपराध गाथा की पुस्तक दिख रही थी। इस पोस्टर पर बड़ी ट्रेन पर लिखा है पटना में होटवार और उसके आगे करप्शन एक्सप्रेस और स्वार्थी भी लिखा हुआ था।